आज से शहर में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में शहर के 91,838 छात्र छात्राएं बैठेंगे। इस परीक्षा के लिए शहर में 133 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार छात्र छात्राओं के सेंटर स्वकेंद्र पड़ेंगे। इस बार की हो रही परीक्षा में कई केंद्र संवेदनशील भी माने जा रहे हैं। परीक्षा के लिए मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर बैठकर परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा सकेगी। DIOS सतीश तिवारी ने बताया, नकल को रोकने के लिए शहर के सभी स्कूलों में 3,625 CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। केंद्रों में लगे CCTV कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में बने कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त लखनऊ से भी CCTV कैमरों से भी केंद्रों की मॉनिटरिंग होगी। मथुरा प्रसाद इंटर कॉलेज रवाईपुर और फेयर कमेटी इंटर कॉलेज मकनपुर बिल्लौर, यह दो ऐसे केंद्र हैं जो संवेदनशील माने जा रहे हैं। इन्हीं दो केंद्रों में कई बार नकल करते छात्र पकड़े गए। DIOS सतीश तिवारी के मुताबिक परीक्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी है। प्रश्न पत्र और प्रवेश पत्र की कॉपियां भी सभी स्कूलों तक पहुंचा दी गई है। परीक्षा केंद्रों के लिए 7 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। यह किसी भी केंद्र पर कभी भी छापा मार सकते हैं। इस स्क्वाड का नेतृत्व DIOS द्वितीय BSA सह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज खेरसा और सहायक लेखाधिकारी कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र कठिन आया है या आउट ऑफ सिलेबस है। आज किस चीज की परीक्षा थी? आज मेरी GME की थी, GME जर्नल मैकेनिकल साइंस। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर तो पढ़ाई तो काफ़ी टाइम चल रही थी, वैसे 5-6 दिन से पढ़ाई स्टार्ट की है। पहले की परीक्षा में इस परीक्षा में क्या फर्क आपको? हम लोग अभी फर्स्ट ईयर हैं तो हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है, तो अभी तो हम लोगों ने पहली बार दिया एग्जाम। एग्जाम का लेवल बढ़िया रहा। सेना नाम है मेरा। आठ बोर्ड परीक्षा है तो कैसी तैयारी कर रखी थी आप लोगों की? तैयारी तो काफ़ी कुछ अच्छी कर रखी थी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया, लेकिन ऐसा आ गया जो पहले कभी नहीं आया था एग्जाम्स में। मेरा नाम श्याम जी मिश्रा। आज गाड़ी का पेपर था, आज केमिस्ट्री का पेपर था और आज का पेपर काफ़ी कठिन था। यहाँ पे 90% बच्चों का बैक लगने का चांसेस है और 10% बच्चे ही पास हो पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।